हेलो यार, आज किस वीडियो का टॉपिक आया है? सुशीत लाल, श्रीकृष्ण भगत, शरियार अलवी, डेनी पटेल, मलिक बॉयज, परवेज आलम, फैजल, प्रियांशु और रुचि गुप्ता की तरफ से। सॉरी यार अगर बीच में मैंने किसी के नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी तो। खैर, इन सब ने लगभग सिमिलर कमेंट किया है और इनका टॉपिक है कि जॉन सीना का रिटर्न कब होगा और जब वो रिटर्न करेंगे तो हमें उनका मैच किस सुपरस्टार के साथ देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर आज ये वीडियो होने वाली है। बट वो बताने से पहले, बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। क्या होता है अगली वीडियो आपके टॉपिक पर बन जाए। एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है, मैं अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस आपको बताऊंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ऑल सेट टू रेसल फैम, माय नेम इज सर एंड विद दिस वीडियो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सर, पहले बात कर लेते हैं कि जॉन सीना का रिटर्न कब होने वाला है। सर, होने कब वाला है वो तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं कि जून के मिड में या फिर एंड में हमें जॉन सीना वापस से WWE में देखने को मिल सकते हैं। और ये वो टाइम होगा जब WWE का नेक्स्ट इवेंट होगा मनी इन द बैंक, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं नॉर्मल अरीना में नहीं बल्कि स्टेडियम में होने वाला है, वो भी एलिजेंट स्टेडियम में, जहां से हमें पिछले साल की समर स्लैम देखने को मिली थी। और उसकी डेट है 2 जुलाई 2022, मतलब हमारे इंडिया में 3 जुलाई को देखने को मिलेगी। और अगर जॉन सीना जून के मिड में या फिर एंड में अपना रिटर्न कर लेते हैं, सर अच्छा खासा टाइम होगा WWE पास कि वो उन्हें एक प्रॉपर स्टोरी लाइन में बुक कर सके। और अब वो बात आती है कि जब भी वो वापस आएंगे तो कौन होगा वो सुपरस्टार जिसके साथ हमें उनकी फ्यूड देखने को मिलेगी। और यार पहला जो नाम मेरे मन में आ रहा है, ही इज नन अदर देन द रेटेड आर सुपरस्टार एज। तो यार अगर मैं पहले इस मैच के बारे में सोचता तो यार इस टाइम पर ये मैच होना इम्पॉसिबल था। हालांकि मैं इस मैच को बहुत लंबे टाइम से देखना चाहता था जब से एज वापस आए हैं, लेकिन फिर जॉन सीना WWE में कम आते हैं। लेकिन अब अच्छे खासे चांसेस बन सकते हैं इस मैच के होने के, क्योंकि एज ऑलरेडी एक हील सुपरस्टार है, फैक्शन अपनी वो क्रिएट कर ही रहे हैं और उस फैक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा सकता है जब उन्हें लल्लू पंजू जैसी फ्यूड में ना डालें और उनका मैच हो जॉन सीना के अगेंस्ट एट मनी इन द बैंक 2022। मतलब यार सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। पहले भी बहुत बड़े राइवल्स रह चुके हैं दोनों सुपरस्टार्स, पहले भी बहुत कमाल के मैचेस दे चुके हैं ये दोनों सुपरस्टार्स और अब भी वो ये कमाल कर सकते हैं। और WWE को मनी इन द बैंक के लिए क्या चाहिए? कुछ ऐसे मैचेस जो कि पूरे एलिजेंट स्टेडियम की टिकट्स बिकवा सकें। तो यार मिल तो गया वो मैच। नेक्स्ट मैच जिसमें हमें जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं मनी इन द बैंक के इवेंट में, आई थिंक शायद WWE ने पुट कर सकती है मनी इन द बैंक मैच में ही, जहां पर ऑलरेडी 6-7-8 सुपरस्टार्स तो होते ही हैं। और अगर WWE के पास कुछ खास प्लान्स है नहीं जॉन सीना के लिए और उन्हें पता है कि जॉन सीना ने कुछ टाइम बाद चले जाना है बैक टू हॉलीवुड, तो WWE बस उन्हें पुट कर सकती है मनी इन द बैंक मैच में बाकी सुपरस्टार्स के साथ, जो कि अगेन ठीक ठाक डिसीजन होगा, ना बहुत ही खराब ना बहुत ही अच्छा। एंड नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिल सकता है जॉन सीना का मनी इन द बैंक 2022। इट कैन बी जॉन सीना वर्सेस बॉबी लैशले। अब मैं रैंडमली बिल्कुल इस मैच को लेकर नहीं आया हूं, ये मैच रूमर था रेसलमेनिया 38 में होने के लिए। खैर उस टाइम पर अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो शायद अब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यार बॉबी लैशले को भी कोई ओपोनेंट तो चाहिए होगा और किसी ऐसे वैसे ओपोनेंट से तो बात बनेगी नहीं, तो डेफिनेटली इस मैच की पॉसिबिलिटी है। एंड फाइनली कमिंग टू द फाइनल सुपरस्टार जिसके साथ जॉन सीना फ्यूड कर सकते हैं अपने रिटर्न पे, ही इज नन अदर देन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो यार ब्रॉक लेसनर की पोटेंशियल फ्यूड्स में मैंने आपको बताया था उनके रिटर्न पे कि बॉबी लैशले के साथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन दोनों सुपरस्टार्स का एक अनफिनिश्ड बिजनेस है एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर WWE उस स्टोरी लाइन की तरफ नहीं जाती है तो उसी टाइम पर ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न करेंगे, उसी टाइम पर जॉन सीना भी रिटर्न करेंगे। WWE को चाहिए कि स्टेडियम सोल्ड आउट हो जाए, WWE कंटिन्यू वहां से कर सकती है कि समर स्लैम में जब जॉन सीना आए थे उसी एलिजेंट स्टेडियम में, तो ब्रॉक लेसनर ने अपने रिटर्न पे समर स्लैम में आकर जॉन सीना पर F5 लगाया था। हो सकता है WWE उसी बात की स्टोरी लाइन बना के कंटिन्यू कर दे और फिर हमें ये मैच देखने को मिल जाए उसी जगह पर जहां पर जॉन सीना पर ब्रॉक ने F5 लगाया था। और सोल्ड आउट की तो बात ही छोड़ दो, वो तो ऑटोमेटिकली इस मैच के बाद हो ही जाने वाला है। आपको क्या लगता है कि जॉन सीना के रिटर्न पर उनकी फ्यूड WWE किस सुपरस्टार के साथ करवा सकती है? फॉर मनी इन द बैंक 2022 अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज ऑलवेज दो वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी, किसी पर भी क्लिक कर देना। बट इन दोनों में से किसी भी क्लिक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना। और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और साइड नोटिफिकेशन बेल होगा यार उसे भी ऑन कर लेना, उसे छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।